ये क्या देख रहा हूँ? जय रामा जी की। ये क्या देख रहा हूँ? जागन ब्रह्मानंद दोनों रन में जख्मी हो गए। जी हाँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो अच्छा भा? कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बात चलकर अपनी बहन मल्हना से पूछता हूँ, देखो वो क्या बताती है। अपनी बहन मल्हना से पूछो। हाँ, मैं चल रहा हूँ महल, हाँ? बहन मल्हना के पास, और पूछूंगा कि ब्रह्मानंद कहाँ है और जागन कहाँ है, देखो क्या बताती है। क्या बताऊं, जागन कहा था कन्नौज, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। ठीक है, इंतजार जरूर करूंगी उसका। बहनी मल्हना, मल्हना। हाँ भैया, सब ठीक है भैया? हाँ सब ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। ये कैसा बहनी मल्हना? अरे क्या है, लड़की घर रखा है। अरे मामा, मैं क्या देख रहा हूँ कि ब्रह्मानंद नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है? क्या भैया? ब्रह्मानंद, भैया ब्रह्मानंद तो महल में आराम कर रहे हैं भैया। कहाँ? महल में आराम कर रहे हैं। अच्छा, सुना है कि जागन आया है, वो कहाँ पर है? भैया वो भी महल में आराम कर रहे हैं। अच्छा जी हाँ, वो दोनों शिकार खेलने गए थे और शिकार खेल के वापस आए और खा पी के आराम कर रहे हैं। शिकार खेलने गए थे? जी हाँ भैया। अच्छा, अरे शिकार खेलने गए थे? हाँ भैया। अरे बहनी मल्हना, हाँ भैया। अरे वो शिकार खेलने गए थे कि ब्रह्मानंद और जागन दोनों रन में जख्मी हो गए। देखा है, नाटक न दिखाओ, हमसे झूठ बोली कि आराम कर रहे हैं, शिकार खेलने गए थे। बहनी मल्हना, आज से हम तेरे द्वारे कबो ना, ऐसी कबो हम दर्शन न दे तो का। ठीक है, हमसे झूठ बोली से, और तू रो और गाओ, दोनों रन में जख्मी हो गए और हम चलते हैं। भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ कि जागन और ब्रह्मानंद रणस्थल में जख्मी हैं। ठीक है, चंद्र बातों को अपनी बेटी चंद्रावल से बताती हूँ। क्या बताऊँ, अभी तक मेरी मान है, ठीक, मैं इंतजार कर दूँ। क्या बताओ बेटी, बहुत बड़ा गजब हो गया बेटी। आखिर क्या हो माँ? बेटी हाँ माँ। अरे कन्नौज जागने, अरे जाने को पाया, खबर क्या सुना बेटी, सुना
और क्या सुनाया बेटी, हमारा तुम्हारा वहां ऐसा चलना ठीक नहीं है। हाँ माँ, क्योंकि
पृथ्वीराज की फौज चारों तरफ से घेर रखी है बेटी। चलो हम तुम्हारा मर्दाना निवास बनाए बेटी और पृथ्वीराज से डटकर संग्राम करे बेटी और जागरण बरहत पता लगाए बेटी कहां पर है और कहां पर नहीं है बेटी। चलिए बेटी। हेलो लीजिए भैया, घर मालिक की तरफ से विशेष सूचना। भैया घर मालिक के जितने भी कार्यकर्ता हैं, दुर्गा, पवार, सूरत, दिलीप, जहां कहीं हैं, द्वार पे पहुंचे आटा गूंजे, नहीं रोकेगी नाज बंद कर जाएगी। भैया हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वहां पहुंचे, जितने भी कार्यकर्ता हैं, दरवाजे में बहुत जल्द पहुंचे। उजागर भैया नाज बहुत देखे हो वो, लेकिन द्वारे पहुंचो। धन्यवाद। सुन रहा हूं रानी मन्हना और चंद्रावल, ये दोनों भी तैयार हो गई करने के लिए। खैर ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी हमारे जीजा पृथ्वीराज को पता नहीं है, ये बात चलकर अपने जीजा पृथ्वीराज से अभी बताता हूं। स्थल में गया और अभी तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। इंतजार कीजिए, अभी आते होंगे, कोई न खबर लेकर के आएंगे। ठीक है। रणस्थल में किस किस की मौत तुम्हारे हाथ से हो गई? पिताजी रणस्थल में ब्रह्मा और जागन बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, वो जीवित नहीं बचेंगे। लेकिन आज कई दिन हो गया, माहिल का कोई समाचार नहीं मिला। आते ही होंगे। अरे सूर्य शिरोमणि छत्रपति, अरे समर धनी, अरे समर धनी चौहान, अरे पृथ्वी राज महाराज जी, अरे सुनो लगा। अरे सच बताऊं तुम्हें बात, अरे मान की सच बताऊं तुम्हें बात, अरे महाराज की एक कल्याणी तो ने ब्रह्मानंद और जागरण का, अरे भूप पर मालिकी, अरे भूप पर मालिकी लाड लिया। परमाल की लाडली आ रही, और साथ में उनकी माँ भी है, मन्हना भी आ रही। तो सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो रण में कर पाए कुछ ब्रह्माचार्य नहीं, परिहार तुम और पास भवरे के खुद ही कमी आ रही। जोहर दिखाने मचाने कौन
अरे भर के अभिमानियो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सीधे दिल्ली ले चलेंगे। लेकिन माही समाचार मुझे बराबर मिलना चाहिए, आपको बराबर खबर देता रहूंगा। अगर तुम बराबर इसी तरीके से खबर मेरे पास पहुंचाते रहोगे तो मैं भी वादा करता हूं कि एक ना एक दिन चंद्रावल का डोला अवश्य दिल्ली लेकर जाऊंगा। ठीक है, खबर मुझे मिलना चाहिए। घड़ी घड़ी को मिनट मिनट का खबर मुझे पहुंचाते रहना, मैं फौरन उसे गिरवा बेटा। मामा ये भैया आग लगा दिया। सही कहता हूँ, आग लगा दिया यहाँ और धुआं निकलेगा। हुआ देखो अब क्या होता है, क्या होता है मैं जानू क्या होता है। सही है, और देखते जाओ क्या होता है। लेकिन कैसे? अरे नंगे चलना फैशन होगा, नंगे चलना फैशन होगा, कहने वाला दुश्मन